यह कहानी है उस बालक की जिसने बच्चों में फैल रही शरारतों और शैतानियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाले हाथ हैं उस बालक के जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान शैतानी खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। और ब्रुम 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 ब्रुम, जिसका नाम है सुपर किड ध्रुव। शैतानी कहीं भी की जा सकती है, पर कुछ स्थान शैतान बच्चों के लिए स्वर्ग समान होते हैं, जैसे शाम के समय में सन्नाटे से भरा हुआ यह बस स्टैंड, जहां एक बच्चा तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वह बोला, अंधेरा बढ़ रहा है, जल्दी करो वरना मम्मी की डांट का सामना करना पड़ेगा। अरे तभी क्या, दो हट्टे कट्टे चैतान से दिखने वाले बच्चों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। वह बोले, परेशान मत हो बच्चे, डांट पड़ी तक कोई नहीं, पर अगर तेरी चॉकलेट चटक गई ना तो हमें खाने में मजा नहीं आएगा, समझा। बच्चे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। चॉकलेट कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने उस चिड़िया की बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, जो फुर्र करती हुई शहर की तरफ उड़ी और ट्वीट ट्वीट। अरे यार फिर से नहीं, तंग आ गया हूँ रोज रोज भागकर। ये आवाज थी सुपर किड ध्रुव की। और 30 सेकंड बाद ब्रुम 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 ब्रुम। काका, ये तो उसी बच्चे की बच्चा बाइक की आवाज है। मोटी गली से निकल ले फटाफट, पतली गली हमारे लिए नहीं बनी है। दोनों शैतान बच्चे तेजी से भागे। ब्रुम 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 ब्रुम। परंतु मोड़ मुड़ते ही बहन से दोनों के स्पीड पर ब्रेक लग गए। हमका माफी दे दो। माफी? या तो यह बच्चा देगा या फिर प्रिंसिपल, मैं नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि इस सन्नाटे में दो शैतान बच्चे मेरी चॉकलेट्स लूट रहे हैं? मुझे एक चिड़िया ने ट्वीट करके बताया था मित्र। चिड़िया? चिड़िया कब से ट्विटर पर ट्वीट करने लग गई? ओ, 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 अच्छा थैंक्स ध्रुव, ऑलवेज वेलकम मित्र। ये था शैतानियत के खिलाफ एक अकेले बच्चे की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला बच्चा है सुपर किड ध्रुव। ओ, समझ गया, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई शैतान बच्चे गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं। तड़ा, जो शैतान बच्चों के लिए शांति का पैगाम है और प्रताड़ित बच्चों के लिए इंसाफ की आवाज। लेकिन घुट कर रह गए वे आवाज उस दिन जब किसी ने जड़ दिया उसे शर्मिंदगी का झापा, सुझा दिया गुरु का लाल, बिगाड़ दिया ध्रुव का थोबड़ा। कैसे हुआ ध्रुव का गाल लाल यह कोई नहीं जानता, इसलिए सभी पूछ रहे हैं कि किसने झापड़ मारा ध्रुव को। यह पता करूंगा मैं, अस्थि पंजर, असीम खुराफाती शक्तियों का स्वामी। मैं आया था इस महाहोशियार ध्रुव के कान के नीचे बजाने के लिए लेकिन कान के नीचे तो कोई पहले ही बजा कर चला गया। जिसने भी ये कारनामा कर दिखाया है उस शैतान बच्चे को मैं दूंगा महान झापड़बाज की उपाधि। ध्रुव को झापड़ मारा गया और ध्रुव का गाल लाल पड़ गया। दुखियारों और कमजोरों की चॉकलेट बचाने वाला शख्स और दादागिरी करने वाले बच्चों को शर्मसार करने वाली हस्ती आज खुद शर्मसार की जा चुकी है। कैसे शर्मसार हुआ ध्रुव को यह कोई नहीं जानता, यह सनसनाती खबर सन्नाटे के नीचे दबा दी गई है। सच्चाई जानता है तो सिर्फ वह बच्चा जिसने झापड़ मारा ध्रुव को, पर वह है कौन? जानना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, क्योंकि हर बच्चा यही दावा कर रहा है कि मैंने झापड़ मारा ध्रुव।